Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ई पाठशाला के चैनल पे आप क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर द पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आधुनिक विश्व में चरवाहे इनके चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने वीडियो के दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये वीडियो का तीसरा पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा कि अफ्रीका में चरवाहों का जीवन कैसा था। इससे पहले हमने इंडिया से रिलेटेड सारा पढ़ा, अब हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे कि कैसे उनकी जो खाने पीने की जो ग्रीजिंग लैंड थी, जो उनके मवेशी यानी कि उनके जो कैटल्स भैंस जो भी थी, जहाँ पे ये लोग उनको खिलाते पिलाते थे, उनकी ज़मीनें कहाँ चली गई। और दूसरा फिर हम देखेंगे कि जब बॉर्डर्स क्लोज हो गए थे इनके आसपास के इलाके के, तो इनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब इलाके सूख जाते थे, इनके मवेशियों में क्या इम्पैक्ट पड़ा। और फिर हम देखेंगे कि सभी पे समान रूप से इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किनका, जिन लोगों ने इनको गुलाम बनाया था या जो लोग इनके इलाके में रहने आए थे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि अफ्रीका की तरफ, जैसा कि हमने इंडिया के अंदर पढ़ा, वैसे हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। और अफ्रीका के अंदर ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी क्या कहते हैं अफ्रीका के अंदर ही रहती है। अब अफ्रीका के अंदर अभी भी 202 करोड़ लोग ऐसे हैं, वैसे तो इसमें 222 मिलियन से भी अधिक पीपल लिखा हुआ है। इसके अंदर बताया है कि अफ्रीका के अंदर ऐसे लोग हैं जो आज भी पेस्टोरल एक्टिविटी यानी कि देहाती यानी कि घुमंतु गतिविधियों की वजह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या कहते हैं ये लोग अर्धशुष्क यानी कि सेमी एड ग्रास लैंड के इलाकों में रहते थे, और यहाँ पे भी लोग क्या कहते हैं कुछ ऐसे ही इलाकों के अंदर रहते हैं। वो लोग भी हमारे इंडिया के अंदर क्या कहते हैं उस टाइम पे क्या कहते हैं गॉड्स है, शिप है, डंकी है, उसके बाद कैटल्स है एंड कैमल्स है, ये सब क्या कहते हैं पालते थे, जिससे वो उनका मांस, खाल, ऊन या दूध जो है वो बेच दिया करते थे, जिससे इनका गुजर बसर होता था। ऐसा ही हमारी कंट्री के अंदर होता था। आपको याद होगा हमारी कंट्री के अंदर कितने प्रकार के क्या कहते हैं उस समय कम्युनिटी रहती थी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए येगा प्लीज है। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि अफ्रीका में इनसे अलग लोग थे। तो अगर आपने क्या कहते हैं इससे पहले वीडियो का पार्ट देखा होगा तो आपको कम्युनिटी ज़रूर पता होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो आपको ये इलाके दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटियाँ उस समय पे रहती थी, क्योंकि थोड़े से अफ्रीकन वर्ड हैं तो आप कम्युनिटी देख सकते हैं। और देखिए इतनी सारी कम्युनिटी है तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हम भारत के अंदर रह रहे थे तो हमने भारत की तो काफ़ी कम्युनिटियाँ पढ़ ली थी पहले भी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको ये सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इनमें से हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे जिससे समझाने की कोशिश करी गई है चैप्टर के अंदर कि अफ्रीका के भी जो कम्युनिटी के लोग थे वो कैसे थे। तो ये मसाई कम्युनिटी जो है इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हिंदुस्तान की तरह ही अफ्रीका के जो चरवाहे थे उनकी जिंदगी पर कैसे इंपैक्ट पड़ता है, कैसे जो ब्रिटिशर्स इनकी कंट्री के अंदर आते हैं और फिर क्या कहते हैं उनकी लाइफ को चेंज करके चले जाते हैं, जैसा उन्होंने इंडिया के अंदर करा था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन परिवर्तन से कुछ क्या कहते हैं इन परिवर्तन से हमने देखा कि जो चरवाहे वहाँ पे अफ्रीका के अंदर रह रहे थे उन्होंने भी क्या कहते हैं कुछ बदलने की कोशिश करी। ठीक है, तो कुछ व्यापार और परिवहन के माध्यम से भी काम करते थे और कुछ कृषि के माध्यम से काम करने लग गए थे, और कुछ लोगों ने क्या कहते हैं अपने काम करने के लिए अलग अलग जॉब्स अपनानी चालू करी थी जब उनको लगा कि खेती यहाँ पर होना संभव नहीं है। तो भाई इतना बड़ा इलाका है तो उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ मसाई के बारे में पढ़ेंगे। मसाई भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो क्या कहते हैं उस समय पे स्पेशली ये पेस्टोरलिक लाइफ जो होती है यानी कि घुमंतु जीवन जो पशुओं को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते हैं, ये भी वही लोग
थे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो केनिया और तंजानिया के इलाकों में रहते थे। केनिया के अंदर लगभग 3 लाख लोग और तंजानिया के अंदर लगभग 1.5 लाख लोग जो थे मसाई कम्युनिटी के लोग रहते थे। अच्छा, अब हम मसाई कम्युनिटी के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि चित्र नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, बदलती परिस्थिति के कारण मसाई जो है बाद में मक्का, चावल, आलू, गोभी ऐसे और जो पदार्थ उगाने लग गए थे उनके इलाकों में, और बाद में क्या कहते हैं, उनको ऐसा लगता था कि भाई खेती करना जो है ना, मसाई लोग ऐसा मानते थे कि फसल उगाना उगाने के लिए ज़मीन पर हल चलाना जो है वो प्रकृति के ख़िलाफ़ है, यानी कि इनको ऐसा लगता था कि खेती के ऊपर किसान लोगों को हल नहीं चलाना चाहिए, तो इसलिए लोग खेती करना पसंद तो नहीं करते थे, इसलिए लोग अपने जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पसंद करते थे। लेकिन कैसे मसाई जो लोग थे इनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा जब कॉलोनिज्म सिस्टम यहाँ पे आया और नए कानून व्यवस्था की वजह से इन बाशिंदे लोगों को उनकी पूरी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट होने की जो एक आज़ादी थी वो छीन ली गई और ज़बरदस्ती इन लोगों को एक उल्टे सीधे कानून के तहत, जैसे इंडिया के अंदर करा गया था उस कानून के तहत फंसाया गया और बेचारों को पूरी तरीके से अपने काम धंधों को छोड़ना पड़ गया, कौन से ये जो ये कर रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं पूरी तरीके से, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चैप्टर के समझते हैं। 3.1 चराई भूमि कहाँ गई, वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड गॉन। तो मसाई की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि दिनों दिन ना उनके जो इलाके थे वो सिमटते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे कॉलोनियल रूल नहीं था तो उस समय पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब दिखाई दे रहा है तंजानिया और केनिया के बिल्कुल जस्ट आधे इधर इलाकों के अंदर ये लोग रहते थे, तो मसाई लैंड आपको दिखाई दे रहा है कितना विशाल क्षेत्र था जहाँ पर ये लोग फैले हुए थे। तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि 19वीं शताब्दी के लगभग आसपास में ऐसा बोला जाता है कि अफ्रीका के बहुत सारे महाद्वीपों पे ना यूरोपियन शक्तियों ने अटैक करने की कोशिश करी। अब जब यूरोपियन शक्ति नहीं थी तो जब तो ये लोग मौज मस्ती से आराम से इतने बड़े इलाकों के अंदर अपने पशुओं को चराते थे, घुमाते फिराते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अटैक करना चालू करा और यूरोपियन शक्तियों ने इन पर कब्जा करना चालू करा तो जाके दिक्कत होनी चालू हो गई। तो आपको ये दिखाई दे रहा है मैप, ये मैप 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों का है जिसमें बताया गया है इस मैप के अंदर कि कैसे कितने कितने इलाकों को क्या कहते हैं यूरोपियन शक्तियों ने कैप्चर कर लिया था, जिसमें से ब्रिटिशर्स ने देखो ये पीले लैंड का इलाका कर रखा है, फ्रेंच के लोगों ने ब्लू लाइन का है, थोड़ा सा जर्मनी, इतालवी, पुर्तगाल, स्पेनिश, मतलब कितने लोगों ने अफ्रीका के इलाकों को ग़ुलाम बनाया। और हम क्योंकि मसाई कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ये वाला इलाका थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। कौन सा इलाका, ये वाला इलाका। क्यों? क्योंकि ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इलाका, इसमें ब्रिटिशर्स और जर्मनी इन दोनों ने कौन से इलाकों को कैप्चर कर रखा है, मसाई लैंड को। ब्रिटिशर्स ने पूर्वी अफ्रीका को और जर्मनी ने पूर्वी अफ्रीका को। ठीक है, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर बीच में फिर बाद में इनकी बाउंड्रीज़ को तय कर दिया गया था कि ये ब्रिटिशर्स इलाका है, जर्मनी इलाका है, क्योंकि जब यूरोपियन शक्तियों ने इसको अपनाने की कोशिश करी थी। तो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट कि मसाई लैंड कभी क्या कहते हैं केनिया और तंजानिया दोनों में आपस में बटा हुआ था, लेकिन बाद में 1885 तक आने के बाद केनिया और तंजानिया को बाद में सीमाओं में बांट दिया गया और सीमाओं में बांटने के बाद मसाई लैंड के 2 टुकड़े कर दिए गए। तो केनिया एंड तंजानिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, यहाँ पे जर्मन्स थे, तो उन्होंने क्या करा कि ये इलाका बांट दिया और मसाई लैंड के जो लोग थे यानी कि खेती करने वाले जो इलाके थे वो कम हो गए। तो आप देख रहे हैं ना कैसे खेती करने वाले इलाके कम हुए। हमारे यहाँ पे तो चलो ज़मीन के लैंड पे कुछ रूल्स बनाए गए उसके बाद अलग हुए, लेकिन यहाँ पे मसाई लोग जो इतने बड़े इलाके के अंदर रहते थे वो अपने आप डिवाइड क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कम्युनिटी रहती थी और यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे अंग्रेज रहते थे, यहाँ पे जर्मनी रहते थे, इसी वजह से हिस्सों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अच्छा, बाद में सालों बाद क्या कहते हैं सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरवाहों को इलाकों को कैप्चर करना चालू करा, क्योंकि जो जो जिसके इलाके में आते गए उन इलाकों के अंदर क्या कहते हैं इन लोगों ने कोशिश करा कि उनको डेवलप करा जाए और बाहर के लोग जो हैं यहाँ पे आके व्यापार करने की कोशिश करें। यानी कि उपनिवेशक शासन से पहले ऐसा बोला जाता था कि मसाई की जो ज़मीनें थी ना उनका बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन बाद में जाके बहुत कम हो गया। मैपिंग आपको दिखाई दे रही है, ये वो लेक है जहाँ से क्या कहते हैं पूरी तरीके से उनका सिस्टम ख़त्म होना चालू हो रहा है। तंजानिया और केनिया
ख़त्म। और उसके बाद अब यहाँ पे बाद में जब ब्रिटेन की सरकार आई थी, उसने कैसे अफ्रीका के अंदर स्थानीय किसान जो है उनको, उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे किसानी हमें ज़्यादा करनी है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी सिंपल सी बात है ब्रिटेन के लोगों को पैसा चाहिए था। जिन इलाकों के अंदर क्या कहते हैं वेस्ट लैंड रूल बनाए गए थे, क्यों? क्योंकि वो ज़मीनें बंजर पड़ी होती थी और उसमें जब खेती करेंगे तो सिंपल सी बात है जब भी उन्हें पैसा मिलेगा। तो यही रूल सेम टू सेम इन लोगों ने अफ्रीका के अंदर भी फॉलो करना चालू करा। 19th सेंचुरी के लगभग आसपास आते आते जब एंड होने वाला था लेट 19th सेंचुरी का, तो ये देखा गया कि ब्रिटिश सरकार ने खेती का विस्तार करना चालू करा जैसा उन्होंने इंडिया के अंदर करा था। यहाँ पे उन्होंने स्थानीय किसानों को बोला कि आपको खेती करनी है, और दैट इज़ वाई इसकी वजह से मसाई कम्युनिटी के लिए एक रीढ़ की हड्डी बन गई थी वो कौन गले की हड्डी बन गई थी कौन, अंग्रेज लोग। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग अब पूरी तरीके से मसाई लोगों की जीवन को बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने एक तो क्या कहते हैं ज़मीन को बांट दिया, ब्रिटिशर्स ने अपनी ज़मीन ले ली, जर्मन्स ने अपनी ज़मीन ले ली, और बाद में फिर क्या कहते हैं बाद में झगड़ा भी होता है इस चीज़ को लेके, फिर ब्रिटेन उधर का इलाका जीत जाता है। कहाँ का इलाका? अफ्रीका का इलाका जहाँ पर जर्मनी रहता है। तो चारागाह भूमि के बड़े क्षेत्रों के अंदर उन लोगों ने बाद में खेल भंडार को बदलने की कोशिश करी, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये केनिया का एक ऐसा बड़ा इलाका जो अंग्रेज़ों के अंडर में था, जिसमें उन्होंने मसाई माला गेम रिजर्व लैंड बनाया, और उसके बाद मेरू नेशनल पार्क बनाए, फिर यहाँ पर संबाऊ नेशनल पार्क, कितने पार्क आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे क्या कहते हैं कभी वहाँ के लोकल कम्युनिटी के लोग, मसाई कम्युनिटी के लोग अपने चरवाहों खेतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाया करते थे, और फिर क्या कहते हैं बाद में क्या कहते हैं इनकी ज़मीन पे अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया, तो वो अपने जो पशु हैं उनको कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। दूसरा तंजानिया, तंजानिया के अंदर भी देखो सेरेंगेटी नेशनल पार्क बनाया गया इतने बड़े इलाकों के अंदर। अब ये पार्क लगभग 14,760 किलोमीटर की लंबाई के अंदर फैला हुआ है, मतलब इतना बड़ा इलाका अगर क्या कहते हैं तंजानिया के अंदर पार्क बनाया गया, तो सिंपल सी बात है कहाँ पे अब खाने पीने की वस्तुएं जो है उन मसाई कम्युनिटी के लोगों को मिल पाएंगी अपने जानवरों के लिए, कहाँ से मिलेगी? क्यों? क्योंकि अब वो उनकी ज़मीनें तो उन पर नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, और बाद में जो दूसरी ज़मीनें बच रही हैं उन पर खेती करवाई जा रही है ना। इस तरीके से उनकी लाइफ में आखा देखा जाए तो बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना। अब सरहद बंद हो गई, सीमाएं बंद हो गई, जैसा कि मैंने बताया कि सीमाएं उन लोगों ने बांट ली थी, तो सीमाओं के पुनर्वितरण के साथ सभी देहाती समुदायों ने क्या कहते हैं माइग्रेट होने पर उनको बहुत पाबंदी लगा दी गई। यानी कि पहले जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब अगर इन्हें माइग्रेट होना है यानी कि केनिया जाना है या केनिया वालों को तंजानिया जाना है, तो उनको एक परमिट लेने की ज़रूरत होती थी, और परमिट लेना भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाती थी किसी किसान के लिए। अगर उन्होंने क्या कहते हैं किसानों ने या जो पेस्टोरिक लाइफ जीने वाले ये लोग हैं जो जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करवा के खिलाने के लिए लेके जाते थे, तो अगर किसी ने इसका नियम का उल्लंघन करा, केनिया के अंदर कोई बिना पूछे चला गया, केनिया का बंदा कोई तंजानिया बिना पूछे आ गया, तो सिंपल सी बात है कठोर सजा मिलेगी और मिलती ही थी। सो दूसरा एक और प्रॉब्लम बोला गया कि इन लोगों को जो लोग क्या कहते हैं ये सब काम करते थे मवेशी पालने का, उन लोगों में अंग्रेज़ों ने ये भी बोला गया कि सफ़ेद लोगों ने कि उन्होंने बोला कि तुम लोगों को हमारे बाज़ार में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस लोग ने उनसे बर्बर और ख़तरनाक रूप में देखा उन लोगों को, किन लोगों को जो इस समय पर क्या कहते हैं मैं बोल सकता हूँ कि ये उन लोगों को बहुत गिरा हुआ लोग मानते थे कि जो लोग इस लेवल के काम करते थे। और जब हमारे भारत देश की बात आई थी तो आपको पता है मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भारत के अंदर जो लोग राजस्थान के अंदर रायका कम्युनिटी के लोग थे, जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था वो लोग पाकिस्तान के इलाकों में अपने मवेशियों को लेके चले जाते थे चराने के लिए, लेकिन अब बेचारों उन लोगों को हरियाणा की तरफ माइग्रेट होना पड़ता है अभी भी, है ना। और ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, ऐसा ही सेम टू सेम इन लोगों के साथ हो रहा है कि ये लोग बेचारे अब दूसरे इलाकों में जाना चाहते हैं तो परमिट लेना पड़ेगा, और सिंपल सी बात है परमिट इनको आसानी से नहीं मिलता था, और जिन्होंने ये रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ दिए तो उसको फिर सजा भी होती थी। तो ये बहुत बुरी बात है। अब जब क्या कहते हैं
केन्या और तंजानिया के मसाई लैंड जो आपस में बढ़ गए थे, उन इलाकों को अगर सुखा दिया जाए, यानी कि जिस साल बारिश नहीं होती तो सिंपल सी बात है वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं हो पाता होगा, और जब कुछ नहीं हो पाता होगा तो उनके मवेशी यानी कि उनके जो जानवर होते थे वो खाएंगे क्या, क्योंकि हरे भरे मैदान तो हुए नहीं है। तो भुखमरी के ऐसे संकट पैदा हो जाते थे कि बेचारे उस समय पर वो उनके जो पशु थे वो बहुत बड़ी मात्रा में मरने लग जाते थे। तो ये बहुत बुरा टाइम पीरियड था कि घास के मैदान, आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, उस समय उनके जानवर कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा ये कहा जाता है कि 1930 के अंदर एक आंकड़ा निकाला गया था और बताया गया था कि केन्या के अंदर जिनके पास जानवर थे उनमें से क्या कहते हैं 7,20,000 मवेशी मर गए थे, 8,20,000 भेड़ मर गई थी, 1,71,000 गधे मर गए थे। ये सारे जानवरों के एक फैक्ट बताए गए थे। और ये भी बताया गया कि 1923 से लेके 1934 के बीच में ये भी बताया गया कि केवल 2 साल के भूख के बाद इनमें आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। मतलब इन 2 सालों के बीच में देखा गया कि गैपिंग के बीच में कि लगभग क्या कहते हैं आधे से अधिक मवेशी यानी कि जो इनके जानवर थे वो मर गए थे, जैसा हमारे इंडिया के साथ हो रहा था। अब इनके जानवर मर रहे थे तो सिंपल सी बात है इन्हें दूसरे काम करने पड़ेंगे। दूसरे काम जैसे हमारे भारत के लोगों ने करा कि जब इन्हें पता चला कि प्लेसेस को सेलेक्ट कर दिया गया है और कोई भी क्या कहते हैं कहीं भी अपने मवेशियों को खाना पीना खिलाने के लिए क्या कहते हैं नहीं लेके जा सकता और इनके जानवर मर रहे थे, तो इंडिया के अंदर भी हमने देखे थे जानवर मरने चालू हो रहे थे, है ना। मतलब जैसे जैसे जो कम्युनिटी लोगों पे इम्पैक्ट कर रही है यानी कि ब्रिटिशर्स जो है इन पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं इनकी लाइफ पे, वैसे वैसे इनकी लाइफ और दिक्कत में आती जा रही है। इनके पास खाने के लिए लैंड्स नहीं बच रहे हैं अपने किसानों अपने जानवरों को खिलाने के लिए, और बेचारे फिर क्या कहते हैं खेती के इलाके को बढ़ा रहे हैं ब्रिटेन के लोग, और साथ साथ क्या कहते हैं इन्होंने फॉरेस्ट बना दिए इन लोगों ने, जैसे हमारे इंडिया के अंदर फॉरेस्ट एक्ट रूल पास हुए थे वैसे यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट रूल पास हो गए, है ना। अब हमें समझना ये है 3.4 में कि नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, यानी कि सभी समान रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे हमारे भारत में, क्योंकि सभी कम्युनिटी के लोग क्या कहते हैं प्रभावित नहीं हुए थे। ऐसे ही उपनिवेशित काल के अंदर देखा जाए तो अफ्रीका के बहुत से ऐसे स्थान हैं, स्पेशली मसाई लैंड की ही तो बात हो रही है यहाँ पे, इन पर भी देखा गया कि असर एक जैसा नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि जब अफ्रीका के अंदर ब्रिटेन के लोगों ने अटैक नहीं करा था तो उससे पहले मसाई कम्युनिटी 2 हिस्सों में डिवाइड थी। मसाई कम्युनिटी यानी कि मसाई सोशल ग्रुप जो था वो 2 हिस्सों में डिवाइड था, पहला एल्डर्स का था और दूसरा वॉरियर्स का था, यानी कि वरिष्ठ जन जो है वो शासन चलाते थे, ये एल्डर्स लोग जो हैं उस समय पे शासन चलाते थे और समुदाय के जो बड़े बड़े फैसले लिया करते थे वो यही लेते थे, और जबकि वॉरियर्स लोग जो होते थे वो उस टाइम पे क्या कहते हैं नौजवान लोग होते थे जिन्हें लड़ाई करने के लिए और कबीले की हिफाजत करने के लिए ही अपॉइंट करा जाता था, और ये लोग कोशिश करते थे कि दूसरों की संपत्ति पर हमला करें, क्योंकि उस समय पर जानवरों को खिलाने पिलाने के लिए जो ज़मीनें होती थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी, इसलिए कोशिश करते थे ये वॉरियर्स के दूसरे चरवाहों पे हमला करें, और बाद में क्या कहते हैं यही जो वॉरियर्स होते थे फिर ये अपने एल्डर्स के अंडरटेकिंग में रह के बहुत बड़े बड़े फैसले करने लग गए थे। पर इनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हमें जानना है, ठीक है ना। तो मसाई के मामले में देखभाल करने के लिए अंग्रेज़ों ने कई कदम उठाने का फैसला किया, और उन्होंने कहा कि भैया अंग्रेज़ों ने एक सुझाव निकाला, अंग्रेज़ों ने कहा कि जनजातियों के मामले में अगर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वहाँ पे जो ट्राइबल का चीफ पर्सन होगा वही करेगा वही झेलेगा, यानी कि अगर अंग्रेज़ों को इनसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिंपल सी बात है वो डायरेक्टली उनकी कम्युनिटी से बात करेंगे और उनकी कम्युनिटी के एल्डर से बात करेंगे, यानी कि वो लोग जो क्या कहते हैं उस समय पर पैस्टोरलिस्ट लाइफ जीते थे, है ना। और दूसरा इन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है सेवरल रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज ऑन रीडिंग एंड वेलफेयर, दिस लेड द इरोजन ऑफ द अथॉरिटी फॉर द बोथ एंड द एल्डर्स, यानी कि यहाँ पे यही बोला गया कि, और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो वॉरियर्स लोग थे जो पहले अटैक करते थे यानी कि छापे मारते थे यानी कि हमला करते थे और लड़ाई करते थे उन पर ही पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई,
यानी कि एल्डर्स और वॉरियर्स, इन दोनों के काम को डिवाइड कर दिया गया। और ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, जो इनके इलाके पे कैप्चर करके बैठे हुए थे, इनके हाथ बांध दिए, यानी कि ना तो वो लड़ाई कर सकते हैं ना वो युद्ध कर सकते हैं। और जनजाति के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका चीफ पर्सन इन समस्याओं को सॉल्व करेगा। हाँ, अगर ये समस्या बढ़ जाती है तो सिंपल सी बात है, अंग्रेज़ों के पास, वॉरियर्स के पास लड़ने के लिए बहुत सारी ताकतें होती हैं, जैसे इनके पास गन पाउडर होता था ब्रिटेन के लोगों के पास, फिर वो इन पर अटैक करते थे, है ना। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं बगावत तो करी, लेकिन बगावत पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई। तो ये हमने देखा मसाई लैंड के बारे में। अब यहाँ पे सरकार समय समय पे स्टेप लेती थी, जैसे अगर मान लीजिए उनके जानवर, सामान, ज़मीन वो लोग ख़रीद सकते थे, अब ज़रूरत पड़ने पे फिर अंग्रेज़ लोगों ने जब इनसे प्रॉफिट कमाना चालू करा तो अंग्रेज़ लोगों ने बाहर की कम्युनिटी को पैसा देना चालू कर दिया। इससे क्या कहते हैं, ब्रिटेन के लोग बहुत शक्तिशाली होने चालू हो गए। अब इस समस्या से निपटने के लिए गरीब देहाती लोगों पे बहुत गहरा असर पड़ा। वो असर क्या पड़ा वो हम देखते हैं इस पार्ट के अंदर। यानी कि जैसे हमारे देश के अंदर जब कम्युनिटी के लोग, रायका कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी जॉब करनी चालू करी, वैसे ही यहाँ के लोगों ने क्या कहते हैं, अब जैसे उन्हें पता है कि पशु वो लोग पाल नहीं सकते हैं, अंग्रेज़ों ने इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो ऐसा ही जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो यहाँ पे गरीब, जिनके पास क्या कहते हैं ज़्यादा पशु पक्षी नहीं थे, वो लोग शहर की तलाश और गांव से शहरों की तलाश में आ गए थे काम करने के लिए। और दूसरे जो क्या कहते हैं अमीर लोग थे, उन लोगों को भवन निर्माण में काम करने का मौका मिल गया। तो इस तरीके से उनको क्या कहते हैं, जो गरीब लोग थे वो शहरों की तरफ माइग्रेट हो गए, पलायन कर गए, और छोटी मोटी जो ऑड जॉब्स होती थी वो करने लग गए। लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पे रिच लोग थे, उन लोगों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, रोड बनाने का काम, ये सब मिलने लग गया। तो आपने देखा होगा कैसे हमने इंडिया का कंपैरिजन और अफ्रीका का कंपैरिजन देखा। एंड आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स एंड प्लीज़ कमेंट मी। और वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, दिस इज इन दिस पार्ट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।